दोस्तों आज का वीडियो में बात करेंगे, अगर आप कोई भी मोबाइल को यूज करते हैं और उसका जो सॉफ्टवेयर है वो कब, मतलब कि वो कब का अपडेट किया हुआ सॉफ्टवेयर है, या फिर आप कब उस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल किए हैं, तो मतलब जितने सारे उसको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर आपको यही बताएंगे, जिसके जरिए आप अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पहली बार पाएँ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन है, चाहे सैमसंग का रहे, रेडमी, ओप्पो, वीवो, कोई भी मोबाइल फ़ोन है, तो उनका अगर सॉफ्टवेयर जब भी आप अपडेट करते हैं तो देखिए कुछ दिन के बाद, चाहे 2 महीना, 1.5 महीना, 3 महीना में हर एक बार कंपनी आपका सब जो भी आपका मोबाइल जो भी कंपनी का सेट है या फिर जो भी जिस मॉडल का मोबाइल फ़ोन है उसको अपडेट करते रहता है। क्योंकि उसे अपडेट करने से ये फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो एक्स्ट्रा फीचर्स दिए रहते हैं तो वो सब मिल जाते हैं। जैसे पहले जो अभी का जो एंड्रॉयड वर्सन है, अभी देख सकते हैं पहले था 5, 6, 7, 8, इस तरह धीरे धीरे हर बार कुछ ना कुछ अपग्रेड करते रहता है। जिस तरह पहले 1G था, 2G हुआ, फिर 3G हुआ, फिर 4G हुआ, फिर 5G पे काम चल रहा था, इस तरह हर एक मोबाइल में कुछ ना कुछ उसमें कुछ कमी होता है तो उसको पूरा करता है और आपसे अपडेट कर देता है। और अपडेट करने के बाद जैसे हो सकता है उसका जो फाइल साइज होता है, यहाँ पर बता दें आपका 500-600 MB तक भी हो सकता है। तो इसे कभी भी आप देखेंगे कि जब भी आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे तो आपका बैटरी परसेंटेज कम से कम 30% ऊपर ही रहेगा, तब भी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, अन्यथा वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो वो इस तरह उसका प्रोग्राम किया हुआ रहता है कि जब भी आपका बैटरी 30% या फिर 20% चार्ज होगा कि वो मतलब सॉफ्टवेयर पूरा इंस्टॉल आपका मोबाइल में हो जाए ऑटोमेटिक। वो भी अपने से सिर्फ इंस्टॉल पर टैप करना है और ऑटोमेटिक वो डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। सबसे पहले हम सेटिंग पर चलते हैं। अगर कोई मोबाइल फ़ोन पर है आप देखिए, सबसे पहले कोई भी मोबाइल फ़ोन रहे तो आपको सेटिंग पे जाना होगा और सेटिंग पे सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कनेक्शन सेटिंग लिखा हुआ रहता है, तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके सबसे लास्ट चल जाना है, एकदम सबसे लास्ट। तो यहाँ पे देखिए एक अबाउट फोन लिखा हुआ, एक सॉफ्टवेयर अपडेट लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में रखिएगा अबाउट फोन लिखा हुआ है, उसका यूजर मैनुअल, सॉफ्टवेयर अपडेट। और देखिए बता दें यूजर जो मैनुअल है ये बहुत काम का चीज़ है, इसे आप एक बार टैप करके आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ पे आपको हर एक लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये सैमसंग का इस तरह खुलता है। और अगर आप इसका डाटा ऐसा करें, इसे हम यूजर जो मैनुअल लिखा हुआ है इसको हम डाटा ऑन कर लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ते हैं, इस पर टैप करते हैं यूजर मैनुअल पर। और यहाँ पर देखिए अभी क्या आएगा, अभी हर लैंग्वेज यहाँ पर आएगा वो, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे इसमें है, तो इनमें से आपको हिंदी चूज कर लेना है और इसे पढ़ सकते हैं कि कैसे रख रखाव वगैरह करना है, सब कुछ ही बताता है। जैसे हम बैक कर लेते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट जो लिखा है इस पर टैप करना है। जैसे इस पर टैप कर देंगे, यहाँ पे देखिए डाउनलोड एंड इंस्टॉल, देखिए मैंने 22 जून 2021 को चेक किए थे, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल जो लिखा हुआ है इस पर टैप करना है। और यहाँ पे देखिए ये चेक फॉर अपडेट्स लिखा हुआ है, तो अगर ये अभी कुछ अपडेट किया होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका फाइल साइज पूरा आ जाएगा और डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर देखिए यहाँ पे आ रहा है कि करंट वर्जन इतना इतना, मतलब ये पहले से ऑलरेडी ये वर्जन डाला हुआ है, तो ये देखिए 1 दिसंबर 2020 को अपडेट किया था इस मोबाइल को। और अगर यहाँ पर ऑटो डाउनलोड ओवर वाईफाई इसको अगर ऑन कर देंगे तो जैसे आप वाईफाई कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल को तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद नीचे जो है लास्ट अपडेट कब किए थे आप मोबाइल को, तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट अपडेट को, यहाँ पे देखते हैं जो आपका एंड्रॉयड वर्सन है 23 फरवरी 2021 को हुआ था 5:02 AM में सुबह। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो वर्सन है पूरा है, उसका साइज देखिए 26.74 MB का है। सिक्योरिटी फेस जो क्या हुआ था तो टोटल लिखा हुआ रहता है इस तरह। तो आप अपने मोबाइल का ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप अपडेट नहीं किए हैं तो अपने मोबाइल को अपडेट कर लीजिएगा, कुछ हर कुछ एक जरूर कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार पाएं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।